चलो चलते हैं आज अपने पुराने रूम की तरफ। बहुत दिनों से गया नहीं हूँ मैं। देखो रहा रूम अपना, इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। और सलाम वालेकुम, और क्या हाल क्या चाल रे है? भाई, ठीक। ठीक ठाक? कब आया, कैसा है? तो देखो दोस्तों, याद है आप लोगों को? तो देखो जमील बैठा है। हम लोगों का यही हो जा रहा है आजकल, आगे पीछे हो जा रहा है। तो ये कॉफी डाल दिए पूरा इसमें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। डेली रात का ही वीडियो स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो दिन में स्टार्ट करते हैं ताकि चेहरा साफ दिखे अपना। जब से रमज़ान शुरू हुआ है मेरा ज़िंदगी तो लूप में ही चल रही है। डेली वही काम हो रहा है, सहरी खाओ, सो, फिर उठो, इफ्तारी करो, वीडियो का एंडिंग। आप लोग देख देख के बोर हो गए होंगे कि ये क्या डेली एक ही चीज़ दिखा रहा है। तो अब क्या करूँ मैं, डेली मेरा ऐसे ही काम है, कोई दूसरा काम आ ही नहीं रहा है, बस अपना सहरी खाना, थोड़ा बहुत सुबह में या दोपहर में या फिर थोड़ा रात में थोड़ा बहुत एक आध ड्यूटी आ जा रहा है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है। तो अपना ऐसे ही वीडियो बन रहा है 5-6 दिन से। तो क्या करें, अब डेली वीडियो तो डालना ही है और लाइफ के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो जैसा लाइफ चलता है वैसा ही डालना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरा लाइफ चल रहा है लूप में, डेली वही सहरी खाना और इफ्तारी करना, सहरी खाना, इफ्तारी करना। तो चलो देखेंगे आज के वीडियो में क्या होता है। तो अभी मैं दिन में ही वीडियो शुरू कर ले रहा हूँ, बाकी आप लोगों को रात से और कल इफ्तारी तक का वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हबीब भाई जा रहे हैं और रूम का किराया वराया दे के जा रहे हैं। अभी मकान मालिक आएगा आज कल में, तो मैं दे दूंगा। अब देखो अकेले रहूंगा कितने दिन, देते हैं हफ्ते भर कि महीने भर, पता नहीं। तो रात के 11:30 हो रहा है और अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ कॉफ़ी। बाकी ये मैडम दी थी शोरबा, ये थोड़ा पीऊँगा इसमें। देखो ये शोरबा गर्म कर लिया हूँ मैं। तो देखो जो मैडम दिलवाई थी दूध वो ख़त्म हो चुका है आज, बस इतना ही बचा था। तो देखो अब फिर कभी मैडम बोलेगी तो एक दूध उठाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी पीने का अपने को शौक हो गया अब। तो ये कॉफ़ी डाल दिए पूरा इसमें और मिला देते हैं। ये बार दूध कम है तो एकदम कॉफ़ी कलर पकड़ लेगा। देखो तो चलो अभी मैं कॉफ़ी और शोरबा थोड़ा पी लेता हूँ मैं, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधे सहरी के टाइम। सहरी में जो मैडम चावल दिए वही खाएंगे। तो सुबह के 3:06 हो रहा है, सुबह बोलो रात को बोलो पता नहीं। सहरी के टाइम मैं अपना ये खाना गरम कर रहा हूँ जो मैडम दी थी, रख दिया हूँ, गरम हो जाए तो अभी खाएंगे सहरी। और बाकी रूम में मैं अकेले ही हूँ, कोई नहीं है। देखो गरम हो जाए, सब चले गए, अकेले मैं ही हूँ। और आज भी कोई भी ड्यूटी नहीं आया, अभी मैं लेटा ही था मोबाइल देखते 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 देखते, मैं सोया नहीं, इफ्तारी करके आया था मैं, जो कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। तब से मैं जगा ही हूँ, सोया नहीं। और अपना हबीब भाई चले गए आज रात को ही, और मैं यहाँ, अब देखो कितने दिन बाद आएंगे, हफ्ते भर बाद या फिर महीने भर बाद या फिर ईद बाद, पता नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है। तो अपना सहरी वगैरह मैं गर्म कर रहा हूँ और खा पी के अपना नमाज पढ़ के फिर सो जाएंगे। ऐसे ही अपना ड्यूटी चल रहा है रमजान का। सोचो कि छुट्टी छुट्टी है, रूम में पड़ा ही रहो। अब छुट्टी वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ पे दोस्त यार हो, पुराने दोस्त यार। अब मैं इस मकान में अकेला हूँ, अभी
आप लोग देख ही रहे हो कि रूम खाली करके मैं इधर आया हूँ, नया जगह है। एक हबीब भाई इधर जान पहचान वाले हैं, उसके बाद तो कोई जान पहचान वाला है ही नहीं, और किससे कहाँ जाके बैठे। तो दिन भर मोबाइल ही चलाता रहता हूँ, उसी में मन लगता नहीं है। तो ये अपना खाना गर्म हो गया, देखो ये लेबन लेके आया था मस्जिद से, देखो ये खाना गर्म हो चुका है, निकालता हूँ मैं इसमें और फिर खाने बैठते हैं। तो दोस्तों ये अपना सहरी निकल चुका है, अभी मैं सहरी खा के आप लोगों से मिलता हूँ सीधे सुबह में। तो चलो सुबह में मिलते हैं। तो दोपहर के 3:30 बज रहा है और सुबह से कोई भी ड्यूटी नहीं आया था। अभी कफिल की वाइफ का फोन आया है कि दही खरीद के पहुंचाना है सुपरमार्केट से, वही अलमराई कंपनी वाला दही पैकेट एक कार्टून खरीद के पहुंचाना है जिसमें 6 पीस रहता है। तो देखो 3:30 हो रहा है और मैं सो के उठा था अभी 1:30 बजे, 1:30 बजे सो के उठा, फिर अपना मुंह वगैरह धोया, फिर वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग करना बाकी था वो कर रहा था। तब तक कभी किसी का फ़ोन तो कभी किसी का फ़ोन, पहले आ गया इंडिया का वो दोस्त का फ़ोन, फिर आ गया जमील का फ़ोन कि आ जाएगा कि नहीं आएगा। मैं बोला आऊँगा भाई, क्यों नहीं आऊँगा, अकेले थोड़ी इधर बैठ के करूँगा। देखते थे, कल गया था मैं अभी भाई के साथ तो चुपचाप बैठे थे और सब बंगाली बंगाली भरे थे वहाँ पे, तो वहाँ जाऊँगा तो चलो अपना 2-3 आदमी हम मिल के आते हैं, बैठ के सब करते हैं, और जो भी 20 मिनट 15 मिनट बैठना होता है आपस में हंसी मजाक करते करते निकल जाता है। तो आ गया मैं ये सुपरमार्केट में, यही पेट्रोल पंप के पास में ही। देखो अभी ये टिश्यू पेपर देना ही बंद कर दिए है, नया नया खुला था, और ये क्या वो चेंज कर दिए फिर से, डिजिटल वाला हटा के मीटर वाला लगा दिए। तो ये दही एक ही है लो फैट वाला, ये छोटा सा सुपरमार्केट खोल के बैठ गया है, कुछ भी दही तक नहीं है, रमजान में दही नहीं है बताओ। चलो चलते हैं आज अपने पुराने रूम की तरफ, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ मैं, कितना 1-2 महीना हो गया शायद गए हुए। काफी लोग पूछते रहते हैं कि वो बंगाली भाई से मिलते हो कि नहीं मिलते हो अपने पुराने रूम पार्टनर से, तो वो चला गया है बांग्लादेश चला गया, उससे क्या मिलना जुलना। मैंने तो आप लोगों से पहले ही बोला था कि एक बार रूम खाली कर दूंगा, इससे इतना दोस्ती यारी हुआ ही नहीं है कि मैं मिलूं। यही देखो जमील से चाहे किसी से भी 7 साल से 8 साल से बना हुआ तो बना हुआ है। ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हबीब भाई नए नए दोस्त बने, नहीं, ये जब सऊदी में आए थे तो हमारे ही रूम पे आए थे, वो सिराज के गांव वाले हैं, तो हमारे रूम पे 4-5 दिन रहे थे, तब से दोस्ती यारी है। तब से ये लोग कई बार आते रहे जाते रहे, ये नहीं कि नया नया जान पहचान है, पहले रूम खाली नहीं था वो, उसमें 6-7 लोग रहते थे। देखो ये रहा अपना पुराना रूम और ये रही पुरानी जगह सुपरमार्केट। यहाँ पे भी यादें रहे हैं बहुत, 1 साल का वीडियो पड़ा है चैनल पे, देखो यहीं पे गाड़ी खड़ा रहता था। ओ सलाम अलैकुम, और क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, कब आया, कैसा है? ठीक। तो इधर आ गया मैं देखो, और देखो कल मैं लेबन पहुंचाया था, आज दही पहुंचाना है। ये यहाँ पे दही दही है, यहाँ पे दही की कमी नहीं है। तो एक पूरा ये 6 पीस वाला ये पैकेट लेना है, ये लो फैट है, ये फुल फैट है।
देखो दोस्तों, याद है आप लोगों को ये 1.5 रियाल वाला मिरिंडा? नहीं, छुट्टी कहाँ गया, रूम खाली कर दिया, उधर ही है मैं। किधर है? इधर। तो ये वाला कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इधर ही मिलता है, 1.5 रियाल वाला, इसी वकाले में, सुपरमार्केट में। तो मैं पहले डेली पीता था, डेली तो आप लोग कहते थे कि डेली मत पिया करो भाई। तो चलो दोस्तों, दही ले लिया मैं। देखो हो रहा रूम अपना, इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। अब किसी दिन कहीं और का, किसी दिन बड़ी वाली मस्जिद में जाऊंगा मैं, अलराजी मस्जिद में, वहां पे भी हो रहा है, तो वहां का भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जाने से पहले सब वीडियो बना बना के डाल देते हैं। तो आगे मैं कपिल के घर पे, चलो दही दे देते हैं और 12 रियाल पैसे ले लेते हैं। तो दही तो दे दिया मैं, बाकी ये कफिल कपड़ा दिया है, इसको लॉन्ड्री में पहुंचाना है, वही पांडा के सामने। तो चलो चलते हैं। तो आगे मैं, ये रहा सामने लॉन्ड्री और इधर है सामने हाइपर पांडा, चलो चल के दे देते हैं। तो दे दिया मैं, तो बाकी चलो चलते हैं अब रूम पे। तो दोस्तों अभी 5:40 हो रहा है, मैं अभी निकल ही रहा था टेंट के लिए, तब तक वो हबीब भाई रिकॉर्डिंग भेजे कि मैं आ रहा हूँ। अब पता नहीं किस लिए, पता नहीं क्यों वो वापस आ रहे हैं अभी आज ही। अब उनसे मिल के पता चलेगा कि क्यों आज ही आ गए, और आएंगे तो रहेंगे या फिर जाएंगे, पता नहीं। तो चलो मैं गाड़ी गर्म कर रहा हूँ, तब तक वो पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में, और फिर उधर से उधर निकलते हैं हम लोग साथ में। हाँ, तो आ गए वही हबीब भाई, बोल रहे उधर जमा नहीं, इसलिए छोड़ के आ गया मैं, दूसरे जगह देखेंगे। तो चलो सही है, अभी हम लोग निकल रहे हैं और साथ में जाके वहीं जमील के पास में जा रहा हूँ मैं। तो गाड़ी तो गर्म है ही, वैसे देखो 5:47 हो गया, अभी अंदर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वजू बना रहे शायद। तो चलो अब निकल रहे हम लोग। तो 5:56 हो रहे, पहुंच गए। इस बार गाड़ी में इसमें घुसा दिया टेंट के पास में ही। हाँ यही सही है, यहीं से अपना बैठ जाएंगे और फिर नमाज वगैरह पढ़ के निकल लेंगे। तो देखो जमील को भी फोन करके मैं बोल दिया कि गाड़ी इधर ही लेके आ जाए, यहीं पे लगा ले। हाँ तो देखो वो लेके आ रहा है, वो सफेद वाला, ये वाला है, ये वाला है। हाँ ला के यहीं पे लगा देगा, फिर यहाँ से हम अंदर चले जाएंगे। अभी देखो लाइन लगा है, पता नहीं क्यों। सलाम अलैकुम। हाँ तो अंदर घुस गए, बाकी आज ही कामा कामा आज ही कामा देख के अंदर में जा रहे हैं। तो ये घुस गए हम लोग, आज इधर लास्ट टाइम में है। चलो बैठ गए, दो आदमी उधर बैठे हैं और दो आदमी इधर। आज लेट आदमी आवाज नहीं लगा, आज हम इधर बैठे हैं लोग, मैंने कामा चेक करा थे ना। हाँ तो सभी कामा ढूंढने में लग जा रहे हैं। तो देखो जमील बैठा है, हम लोगों का यही हो जा रहा है आजकल, आगे पीछे हो जा रहा है। आज पढ़ लिया हमने यहाँ पे, बाकी अब निकलते हैं। और यहाँ पे सुई लग रहा था, जमील ने सुई दिलवा लिया सर्दी जुखाम बुखार के लिए। तो दोस्तों आ गए हम लोग रूम पे, और चलो अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 रोजा अपना हो गया, पता भी नहीं चला। छठा रोजा का हम इफ्तारी करके आ गए, बाकी आप लोगों ने देखा कोई भी ड्यूटी वगैरह रहा नहीं,
ऐसे ही अपना रूम पे पड़ा रहा। हबीब भाई जहाँ पे काम पे गए थे, काम तो पसंद आ गया, काम वहीं पे करेंगे, मगर वो लोग जहाँ पे रूम दे रहे थे उस रूम पे 5-6 आदमी थे लोग, तो कल रात से दिन भर से उनका बहस हो रहा था, ये सब उल्टा सीधा बहस हो रहा था, तो वही बोले कि मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे रहूँगा, भले यहाँ से सिटी फ्लावर तक पैदल चल के मैं सुबह डेली आ जाया करूँगा, मगर इस रूम में नहीं रहूँगा। रूम दे रहे थे उधर ही मार्केट की तरफ इनको, तो वो उन लोगों के साथ जमा नहीं तो चले आए, बाकी चलो सही है अपना रहेंगे इसमें। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे नए हो फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वसलम, टेक केयर।